नमस्कार। आज हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया थर्ड ओडीआई मैच प्रेडिक्शन, की पॉइंट्स मैच के पिच एनालिसिस। ठीक है, ये मैच 18 जनवरी 2019 को 1:20 PM लोकल डेट एंड टाइम पे खेला जाएगा, जो कि एमसीजी और मेलबोर्न में है। इस मैच के की पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया 27 में से 13 मैच जीत चुका है। इन दोनों बीच के जो प्रतिस्पर्धा हुई है, दोनों टीम के बीच में से उनमें से 27 में से 13 मैच जीत चुका है। 10 ODI मैचों में से ऑस्ट्रेलिया 2 जीता हुआ है, और जबकि इंडिया 8 में से 6 जीता हुआ है आखिरी 10 ODI मैचों में। एक और बात, MCG में जिस टीम ने पहली बैटिंग करी है वह 17 में से 9 मैच जीती हुई है। पिच एनालिसिस, 278 एवरेज स्कोर है, 306 टाइम तक 6 बार पहुंचा है 2010 तक, और लास्ट 3 इनिंग में 304, 220 और 264 रन बने इस मैदान पर। वो हमारे हिसाब से इंडिया टॉस जीतेगा। मैच प्रेडिक्शन देख लेते हैं, हमें लगता है कि इंडिया जीतेगा यह मैच। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें। थैंक्स। नमस्कार। आज हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया थर्ड ओडीआई मैच प्रेडिक्शन, की पॉइंट्स मैच के पिच एनालिसिस। ठीक है, ये मैच 18 जनवरी 2019 को 1:20 PM लोकल डेट एंड टाइम पे खेला जाएगा, जो कि एमसीजी और मेलबोर्न में है। इस मैच के की पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया 27 में से 13 मैच जीत चुका है। इन दोनों बीच के जो प्रतिस्पर्धा हुई है दोनों टीम के बीच में से उनमें से 27 में से 13 मैच जीत चुका है। 10 ODI मैचों में से ऑस्ट्रेलिया 2 जीता हुआ है, और जबकि इंडिया 8 में से 6 जीता हुआ है आखिरी 10 ODI मैचों में। एक और बात, MCG में जिस टीम ने पहली बैटिंग करी है वह 17 में से 9 मैच जीती हुई है। पिच एनालिसिस, 278 एवरेज स्कोर है, 306 टाइम तक 6 बार पहुंचा है 2010 तक, और लास्ट 3 इनिंग में 304, 220 और 264 रन बने इस मैदान पर। वो हमारे हिसाब से इंडिया टॉस जीतेगा। मैच प्रेडिक्शन देख लेते हैं, हमें लगता है कि इंडिया जीतेगा यह मैच। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें।